अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका भाई यकीन अहमद आज आपसे मुखातिब है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और जिस तरह के हालात हैं आप लोग उसकी कोरोना से उसकी फाइट भी कर रहे होंगे। आज का टॉपिक जो है ब्लॉग बनाने का वो ये था कि हमारे जो है इससे फाइट करने का ये हल बताया गया कि लॉकडाउन करके हम अपने घरों में या अपनी जगहों पर जो है सेफ रहें ताकि उसको जो है इसका फैलाव कोरोना का फैले नहीं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि देखें अगर कुछ जगहों पर कुछ जगहों पर नहीं है तो फिर तो ये तो बेवकूफ़ी है जो हम सब जानते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर अगर चीज़ें खुली हुई और कुछ जगहों पर नहीं खुली हुई और उस पर हम समझ रहे हैं कि हम इससे फाइट कर रहे हैं तो बेवकूफ़ी, हम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और इम्प्लीमेंट सब जगह होना चाहिए और जो बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उन्हें जो है वो उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही है। नाइंसाफ़ी है हम सबके साथ, उनके साथ जो इस चीज़ पे बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फाइव स्टार जो है रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, क्योंकि मैं बताने चाहूँगा कि मैं लास्ट टाइम मैं जो है बनारस के साइड विजिट किया दोस्तों के साथ, जो है हम वहाँ पे गए थे, हमने सोचा कि वहाँ जाके थोड़ा सा जो है लुक आफ्टर करें और अलग अलग जो है हम बाइकों पे गए थे देखने के लिए। इसी तरह हम वहाँ पर गए कि माड़ी में भी हमने देखा कि वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था सैटरडे नाइट मनाई जा रही है और बिल्कुल गैदरिंग हो रही है वहाँ पर, चाय के होटल खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, वहाँ पे फुल जो है वो गैदरिंग के साथ जो इन्जॉय किया जा रहा है। अच्छी बातें करना चाहिए, अगर वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो रही इम्प्लीमेंट तो क्या मतलब कोरोना फैलेगा नहीं इन जगहों पर आके? क्या वहाँ के लोग यहाँ पर नहीं आ सकते? आ सकते हैं बिल्कुल ज़रूर, जब मैं वहाँ जा सकता हूँ तो वो भी आ सकते हैं, बिल्कुल कोरोना इससे फैल सकता है। और कोई भी वहाँ पे SOP पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। कहाँ गए वहाँ के इंतजामिया, कहाँ गए वहाँ के थाने SHOs वगैरह जो वहाँ पे लुक आफ्टर कर रहे थे, कहाँ गए वहाँ के नाजिम वगैरह जो भी इन चीज़ों को देख रहे थे? क्या उन लोगों को चाहिए कि वहाँ भी इम्प्लीमेंट करवाएं? जब छोटी छोटी बसों के अंदर बेचारे ड्राइवर जो गरीब होते हैं उनसे इम्प्लीमेंट कराया हुआ जा रहा है और रिक्शे वालों से इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, तो उन जगहों पर क्यों नहीं कराया जा रहा जो रेस्टोरेंट खोल के बैठे हुए हैं? मुझे तो कहीं से वहां पे नहीं दिखा कि किसी ने सैनिटाइजर करवाया, मास्क दिया और सब गैदरिंग करके बैठे थे। वीडियो में नहीं बना सकता था, आपको समझदार है अगर मैं वीडियो बनाता तो शायद ये वाली वीडियो आज आपके सामने नहीं होती, और क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका बिजनेस खराब हो मेरी वजह से। लेकिन मैसेज देना जरूरी है, जो बड़े बड़े हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए या उनके नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हमारे जो हैं मुराद अली शाह हो गए CM जो है हमारे, अगर वो इस चीज़ को देख लें काइंडली तो बहुत अच्छा होगा। और वैसे भी वो देख रहे हैं, उनके पास हज़ारों काम है, हज़ारों चीज़ें इस टाइम पर देख रहे हैं, करोड़ों लोग हैं, जाहिर बात आसान नहीं इन चीज़ों को देखना। हम सबको चाहिए कि हम सब एहतियात करें, लेकिन एहतियात नहीं हो रही तो काइंडली जो है आप उन जगहों पे जाएं, विजिट करें, आपको दिखेगा कि कैसा एक मजमा और कैसा एक एनवायरनमेंट, कैसा एक माहौल लग रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कोई लॉकडाउन की सूरत हाल है। रात को भी 11-12 बज रहे थे, तो अगर वहाँ पे चीज़ें जो हैं ओपन है तो फिर आप 5-स्टार होटल्स को, दूसरे रेस्टोरेंट्स को भी इजाज़त दें ताकि वो SOP के तहत आपको लगेगा कि वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे और वहाँ तो आप इजीली आ भी सकते हैं। इन जगहों पे आप लोग विजिट नहीं कर रहे हैं, उन लोगों पे उन जगहों पे क्या सेटिंग्स बनी हुई हैं ये आप बेहतर जानते हैं, हमें तो नहीं पता इस बारे में, लेकिन नाइंसाफ़ी है। बेहतरीन इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में, बारिश पर ढाबे के और जो है। आपने सुना जैसा कि इन्होंने भी कहा कि जो है इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है बिल्कुल इन जगहों पर जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, और हमारी आज की जो काविश थी, आज की जो कोशिश थी सिर्फ यही थी कि जो है एक मैसेज हम कन्वे कर सकें, और हमने खुद क्योंकि वो उन जगहों पे विजिट नहीं कर सकते क्योंकि उनका हज़ारों काम है, हम ये मैसेज आप जो है कन्वे करना चाह रहे थे, और काइंडली हम जो है हम चाहते हैं कि इस पर इम्प्लीमेंट कराया जाए और ये जो है SOP के तहत रेस्टोरेंट्स वगैरह खोले जाएँ और जो बड़े बड़े जितने रेस्टोरेंट हैं जब वो खुल सकते हैं या तो फिर उनको बंद कराया जाए अगर आप प्रॉपर तरीके से जो है वो चाहते हैं कि इसका खात्मा हो। तो बस छोटी सी काविश थी आप लोगों से शेयर करने के लिए, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और ये मैसेज आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, क्या पता इस छोटे से मैसेज से किसी का भला हो जाए, किसी का जो है वो नेकी हो जाए और आपको भी दुआएँ मिलें, हम तो यही चाहते हैं। और आपके पास भी कोई इस तरह की वीडियोज़ हो तो आप लोग भी शेयर करें ताकि हम अवेयरनेस दे सकें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा, अल्लाह ने कमाल। लंबी